तो दोस्तों अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी ट्रू वायरलेस ईयरफोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको भाई अच्छे खासे फीचर मिल जाए तो भाई एकदम सही टाइम है, क्योंकि अभी यहाँ पर अमेजोन की प्राइम डे सेल चालू हो गई है और आपको बताया भाई अच्छे खासी डील्स रहती है। साथ में यहाँ पर कुछ अमेजोन के एक्सक्लूसिव लॉन्चेस भी होते हैं और ऐसा ही एक प्रोडक्ट आज हमारे पास है और ये है बोट के एयरडॉक्स 280ANC। अब भाई ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है मुझे भाई एकदम वैल्यू फॉर मनी लगे क्योंकि यहाँ पर फीचर काफी जबरदस्त हैं। जैसे इन ईयरबड में ANC ट्रांसपेरेंसी मोड इन ईयर डिटेक्शन है, साथ में यहाँ पर आपको क्वाड माइक्रोफोन मिलते हैं, 13mm के काफी बड़े ड्राइवर्स हैं और यहाँ पर जो डिजाइन वगैरह वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, तो भाई फीचर मुझे काफी सही लगे थे। और इसका प्राइस है भाई 1599 रुपए, तो 1500 रुपए के आसपास में भाई अच्छे खासे फीचर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कैसे ईयरबड है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं, ईयरबड देखते हैं वो कैसे है। तो बॉक्स है देख सकते हो भाई ये कुछ इस तरह से है और सबसे पहले तो भाई देख सकते हो ये जो मेरे पास ईयरबड्स है ये मिंट ब्लू कलर में है, तो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम से लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो भाई ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 60 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल रहा है, काफी अच्छा खासा है। 4 यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिलेगी, ENX Tech है। उसके बाद पीछे भी यहाँ पर इसके जो मेन फीचर्स लिखे हैं, जैसे आपको यहाँ पर 32 dB की ANC मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, एम्बिएंट मोड है यानी ट्रांसपेरेंसी मोड। तो भाई देखो फीचर अच्छे हैं, लेकिन बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं भाई ईयरबड्स दिखने में कैसे हैं, तो सबसे पहले वही चेक करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से पैकेजिंग में आता है, यहाँ पर लिखा है लिव द साउंड। लेकिन जल्दी से भाई इन ईयरबड्स को निकाल लेते हैं और देखते हैं भाई ईयरबड्स जो दिखने में कैसे हैं। तो ये भाई जो ईयरबड्स का केस है, सच बोलूंगा भाई बहुत ही यहाँ पर अच्छी खासा जो वेट है इसका प्रीमियम से लग रहे हैं बिल्ड क्वालिटी वाइज। मैट फिनिशिंग है तो ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब स्क्रैचेस वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा, मिंट ब्लू कलर है। तो एक बार इसको साइड में रखते हैं, बाकी बॉक्स के कंटेंट चेक कर लेते हैं। और उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, तो एक ये एनवलप सा है और ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कुछ स्टिकर्स यहाँ पर दिए हुए हैं बोट ने, तो ये कुछ इस तरह से रहेंगे, तो बड़े फंकी से यहाँ पर स्टिकर है आई एम बोट हेड। ये स्टिकर देख के हमेशा भाई वो बोट की एड याद आ जाती है, डोंट बी अ फैन बॉय बी अ बोट हेड। और ठीक है कलरफुल स्टिकर्स है यहाँ पर, लगा सकते हो कहीं पर, मतलब जैसे लैपटॉप पे कहीं पर भी। उसके बाद यहाँ यूजर मैनुअल है, तो कैसे इसको पेयर करना है, फंक्शंस वगैरह वो सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक जो वारंटी कार्ड है, तो एक साल की यहाँ पर आपको वारंटी मिलती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ऐसे QR कोड स्कैन करके आप पढ़ लो। बाकी इसमें दो छोटे और बॉक्स भी हैं, तो एक एक करके उनको भी निकाल लेते हैं। और ये सबसे पहले ये वाला जो छोटा बॉक्स है इसको ओपन करते हैं, तो इसमें यहाँ पर 2 pair ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं, तो ये अपने कानों के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। और अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपने कानों के फिट के हिसाब से अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो साउंड क्वालिटी भाई मतलब उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इनको मैं वापस डाल देता हूँ। और उसके अलावा जो दूसरा बॉक्स है उसमें यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और ये एक USB A to USB C चार्जिंग केबल है रेड ब्लैक कलर की। तो पैकेजिंग यहाँ पर मुझे वैसे काफ़ी प्रीमियम से लगी जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से। लेकिन अब जल्दी से ईयरबड्स की तरफ आते हैं, उसका यहाँ पर डिज़ाइन देख लेते हैं वो कितना प्रीमियम है। तो सबसे पहले जैसे बताया था इसका जो केस है ये कुछ इस तरह से रहता है और काफ़ी यार अच्छे यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी लग रही है, काफ़ी हैवी वेट सा फील हो रहा है, टेक्स्चर भी यहाँ पर बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सा फील हो रहा है। और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो बोट की ब्रांडिंग है सिल्वर कलर में और यहाँ पर एक USB C का पोर्ट है तो इसे चार्ज कर सकते हो। फ्रंट में यहाँ पर एक लाइटिंग इंडिकेटर है जिससे यहाँ पर बैटरी वगैरह का पता लग जाएगा कि चार्ज पे है और कितनी बैटरी है। ओवरऑल केस का डिज़ाइन यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे और शेप भी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब पॉकेट में आप इसको रख सकते हो। और हैवी मेरे को लगता है इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि भाई अच्छी खासी बैटरी है इसमें, 50 घंटे का बोलते हैं। बाकी केस ओपन करके ईयरबड्स का डिज़ाइन उसे भी चेक कर लेते हैं और देख सकते हो भाई ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रीमियम है। ऊपर देख सकते हो बहुत ही ऐसे शाइनी सी फिनिशिंग है क्रोम टाइप की, वैसे लग नहीं रहा है ये 1500 रुपये के आसपास के ईयरबड है। और देख सकते हो ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लग रहे हैं, इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है यहाँ पर और ये मैट फिनिशिंग है जैसे इसके केस में थी। लेकिन फ्रंट में जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरी क्रोम टाइप की फिनिशिंग मिल रही है और इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी प्रीमियम से लग रहे हैं। और ये टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं और यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर एक LED लाइट है और इनमें आपको क्वाड माइक्रोफोन भी दिया है। बाकी देखो स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर इसको पहनकर चेक कर लेते हैं इनका फिट कैसा है, क्योंकि वो बहुत डिपेंड करता है ज्यादा देर तक अगर आप इनको यूज करना चाहते हो। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई फिट बहुत ही अच्छा खासा है और जैसा देख सकते हो इस तरह से ये मेरे कानों में लग रहा है, प्रीमियम लग रहे हैं वैसे पहनने वाइज भी। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कि लाइट वेट ईयरबड्स हैं तो बहुत देर तक आप इनको पहन सकते हो और इसमें ना IPX5 की रेटिंग है तो वो सही रहता है, मतलब जैसे जिम वगैरह जा रहे हो रनिंग करो। ऐसे रनिंग की बात कर रहे हैं तो एक बार हेड शेक करके भी देख लेते हैं भाई ये कानों में टिके रहते हैं फिर नहीं, तो देख सकते हो भाई एकदम कानों में टिके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम स्नग फिट है।
तो ये मुझे सही लगा, फिट अच्छा है इसका और डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा है। एक्चुअली प्रीमियम डिज़ाइन मुझे यहाँ पर लगा भाई, 1500 रुपये के आसपास के ईयरबड्स में तो ये बहुत ही अच्छे दिखने वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लगे मुझे। लेकिन अब जल्दी से इन ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर आपको फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो जैसे मैं बताया था, इन ईयरबड में आपको यहाँ पर 32 dB की ANC मिलती है, तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के ये साथ आते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया हुआ है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कैमरा टेस्ट कर रहा था, और एक चीज़ बोलूँगा भाई, यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही सही है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत यहाँ पर अच्छी है कि इसमें आपको यहाँ पर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है, और इन ईयर डिटेक्शन फीचर और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये जो कॉम्बो है ना, मतलब इस प्राइस में मेरे हिसाब से किसी ट्रू वायरलेस ईयरफोन में नहीं मिलता है। तो ये एक चीज़ है जो इसको वैल्यू फॉर मनी बनाता है, अगर आपको इस तरह के फीचर चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट अच्छी चीज़ है कि इन ईयरबड में आपको यहाँ पर 60 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल रहा है भाई, बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लेबैक टाइम है। बैटरी अच्छी खासी है, विदाउट ANC यूज़ करते हो तो यहाँ पर 60 घंटे के आसपास मिलता है, 50 घंटे भी मिलता है ना तो भी बोलोगे बहुत सही है वैसे, लेकिन विद ANC यूज़ करते हो तो ब्रांड का क्लेम है कि अराउंड आपको 50 से 55 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पर बैटरी बैकअप इन ईयरबड्स का बहुत ही अच्छा है इस प्राइस में। डेफिनेटली अगर आपको बड़ी बैटरी बैकअप के साथ कोई ईयरबड्स चाहिए तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पर बोट की ASAP चार्ज यानी कि फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो 10 मिनट अगर आप इनको चार्ज कर रहे हो तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे यहाँ पर आप सुन पाओगे। बाकी कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है, तो ये सही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर वाला ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे आप ये लेड ओपन करते हो तो ये जो ईयरबड्स हैं आपके फोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत यहाँ पर फास्ट पेयरिंग है। बाकी जैसा भाई IPX5 की रेटिंग है, तो स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, यहाँ पर टच कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है भाई साउंड क्वालिटी। तो इन ईयरबड में आपको यहाँ पर 13 mm के काफी बड़े से ड्राइवर दिए हैं, और जो साउंड क्वालिटी है, जैसा आपको पता होगा भाई बोट का अपना एक सिग्नेचर साउंड रहता है, तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा थम्पी बेस आपको इन ईयरबड में सुनने को मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर अगर आप जैसे मूवी देख रहे हो तो वोकल्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, और साथ में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत बढ़िया इन ईयरबड्स का। तो प्राइस के हिसाब से एक अच्छे खासे साउंडिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर इनको कॉलिंग के लिए भी यूज करना चाहेंगे, तो इन ईयरबड्स में यानी कि ईच ईयरबड में आपको यहाँ पर 2 माइक्रोफोन मिलते हैं, टोटल क्वाड माइक्रोफोन का यहाँ पर जो सेटअप दिया हुआ है, और ENX टेक्नोलॉजी है बोट की, तो बेसिकली वो कॉलिंग के टाइम पर जो आसपास की साउंड है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देता है। लेकिन फिर भी आपको एक इसका माइक टेस्ट सुना देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाएगा कैसे है। तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो बोट AirDots 280 ANC के माइक्रोफोन से। जैसे बताया भाई, इसमें आपको यहाँ पर क्वाड माइक्रोफोन मिलते हैं और ENX टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर आसपास जैसे आप सुन सकते हो भाई, यहाँ पर वैसे वैसे आप नहीं सुन सकते क्योंकि यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा शोर है, और इसने काफी अच्छे से उसको हैंडल किया है। तो आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप नीचे कमेंट करो। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पर माइक की क्वालिटी भी अच्छी है, और फीचर वगैरह मुझे यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छे लगे जिस प्राइस पर ये ईयरबड जा रहे हैं। ANC यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड, साथ में आपको यहाँ पर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिल रहा है, अच्छी यहाँ पर साउंड क्वालिटी, 13 mm के ड्राइवर्स हैं, क्वाड माइक्रोफोन का सपोर्ट है। तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि वैल्यू फॉर मनी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है भाई 1599 रुपये में, और बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखने वाले ईयरबड्स हैं ये, लगता नहीं है भाई ये 1500 रुपये के आसपास ईयरबड्स बोट ने लॉन्च किए हैं, और मेरे हिसाब से तो भाई वैल्यू फॉर मनी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है। और अगर आपको इस प्राइम डे में एक अच्छे वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर डील चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको आप चेकआउट कर सकते हो अमेजॉन प्राइम डे सेल पर। तो कैसे लगे आपको ये बोट AirDots 280 ANC? मुझे तो डेफिनेटली अच्छे लगे हैं, वैल्यू फॉर मनी लगे हैं। लेकिन अगर आपको इन ईयरबड्स को परचेज करना होगा तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप इनको चेकआउट करो, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही प्रीमियम ईयरबड्स हैं 1500 रुपये के आसपास में। बाकी आपको कैसे लगे वो आप नीचे कमेंट करो, किसी और ईयरबड्स का आपको यहाँ पर रिव्यू देखना हो इस चैनल पर तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।